हाय फ्रेंड्स, मैं परविंदर खारी। फ्रेंड्स, अभी कुछ दिनों पहले 105th ब्रिटिश चेस चैम्पियनशिप 2018 इंग्लैंड में खेली गई थी। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, ये काफ़ी प्रेस्टिजियस चेस चैम्पियनशिप है। इस चैम्पियनशिप में 9 राउंड्स खेले गए थे और यहाँ की टॉप प्राइज मनी 10,000 पाउंड्स थी, जिसमें 1,000 पाउंड्स ब्रिटिश वुमेंस चैम्पियन के लिए थे। फ्रेंड्स, इस चैम्पियनशिप के रूल्स कुछ इस तरह से हैं। यहाँ हर एक खिलाड़ी को पहले 40 मूव्स के लिए 90 मिनट दिए गए थे और उसके बाद की बाकी की बची हुई गेम 30 मिनट तक चलनी थी, जिसमें कि हर एक मूव के लिए 30 सेकंड का इंक्रीमेंट है। फ्रेंड्स, ये टूर्नामेंट टाई ब्रेकर तक गया और टाई ब्रेकर में मुकाबला था माइकल एडम्स और लुक जे मैकशेन के बीच में। तो फ्रेंड्स, आज की हमारी गेम माइकल एडम्स और लुक जे मैकशेन के बीच की है। फ्रेंड्स, ये दोनों ही खिलाड़ी इंग्लैंड को रिप्रेजेंट करते हैं और इस गेम के दौरान माइकल एडम्स की रेटिंग 2706 थी और वहीं लुक जे मैकशेन की रेटिंग 2669 थी। तो फ्रेंड्स, आइए सीधा इस गेम पर चलते हैं। यहाँ गेम की शुरुआत की माइकल एडम्स ने e4 के साथ। e5 नाइट f3 नाइट c6 बिशप c4 बिशप c5 d3 नाइट f6 और इसके बाद यहाँ वाइट ने कैसल किया d6। तो माइकल ने यहाँ किया c3 ताकि ये नाइट इस d4 स्क्वायर पर आ ही ना सके। वाइट कैसल्स a4, तो ब्लैक ने यहाँ किया a5 ताकि ये बी पॉन आगे पुश ना हो। बिशप g5, क्वीन e7, नाइट b2, बिशप e6 तो क्वीन d3, b7 पॉन पर अटैक तो रुक b8, रुक d1, h6 बिशप पर अटैक तो बिशप h4, बिशप a7। और फ्रेंड्स, यहाँ काफ़ी देर के बाद अब जाकर कहीं वाइट ने मटेरियल एक्सचेंज किए। वाइट ने यहाँ किया बिशप टेक्स e6 और अब यहाँ ब्लैक के पास दो ऑप्शन है। पहली कि वो इस बिशप को अपने एफ पॉन से ले, एफ टेक्स e6, और अगर यहाँ ब्लैक ऐसा करता है तो सर्टनली ये पोजीशन इस एफ फाइल के सेमी ओपन होने की वजह से थोड़ा ब्लैक के फेवर में होगी। और अब अगर हम इस गेम को यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं तो वाइट यहाँ कर सकता है h3 g5 बिशप पर अटैक तो बिशप g3 नाइट h5, और यहाँ अब इस नाइट का अगला डेस्टिनेशन ये f4 स्क्वायर होगा। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने इस बिशप को क्वीन से लिया था, क्वीन टेक्स e6, लेकिन इसके बाद बिशप टेक्स f6 और फ्रेंड्स, यहाँ ब्लैक इस बिशप को अपनी क्वीन से ले सकता था, लेकिन यहाँ ब्लैक ने क्वीन एक्सचेंज की, क्वीन टेक्स b3 नाइट टेक्स b3 जी टेक्स f6। और फ्रेंड्स, यहाँ ब्लैक को शायद कोई ज़रूरत नहीं थी अपने इस पॉन स्ट्रक्चर को ख़राब करने की, लेकिन फिर भी शायद यहाँ मैकशेन की कोई प्लानिंग रही होगी। यहाँ वाइट ने किया नाइट एट बी गोज़ टू d2, रुक d8 नाइट h4, और वाइट यहाँ अपने इस नाइट को f5 स्क्वायर पर ले जाने की तैयारी में, तो नाइट e7 नाइट c4 b5 नाइट पर अटैक तो वाइट ने यहाँ किया नाइट टेक्स a5। और फ्रेंड्स, यहाँ ब्लैक को शायद इस a4 पॉन को ले लेना चाहिए था बी टेक्स a4, और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो वाइट यहाँ करेगा नाइट c4 d5 e टेक्स d5 रुक टेक्स d5, और यहाँ ये गेम की पोजीशन इक्वल ही कंसिडर की जाएगी। लेकिन फिर भी ब्लैक यहाँ कुछ वाइट के ऊपर प्रेशर बना सकता है, वो यहाँ अपने इस रुक को बी फाइल में लाकर इस b2 पॉन पर थोड़ा प्रेशर बढ़ा सकता है। लेकिन यहाँ ब्लैक ने किया बिशप b6 नाइट पर अटैक बनाया तो b4, बिशप टेक्स a5 बी टेक्स a5 b4 सी टेक्स b4 रुक टेक्स b4 g3 रुक a8 तो रुक b1 रुक एक्सचेंज का ऑफर। लेकिन ब्लैक को यहाँ क्या जरूरत है रुक एक्सचेंज करने की, उन्होंने यहाँ किया रुक टेक्स a4 और अपने उस खोए हुए पॉन को वापस लिया, रुक c1 c7 पॉन पर अटैक। और फ्रेंड्स, अब यहाँ ब्लैक को क्या करना चाहिए। ब्लैक के पास यहाँ दो ऑप्शंस हैं। पहली कि वो यहाँ अपने रुक को a7 स्क्वायर पर ले जाकर इस c7 पॉन का डिफेंस करे, और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो वाइट यहाँ करेगा रुक a1 रुक टेक्स a1 रुक टेक्स a1, और यहाँ इस तरह से ये गेम इक्वल ही कंसिडर की जाएगी। लेकिन यहाँ ब्लैक ने किया c5 रुक b6 d6 पॉन पर अटैक। वैसे फ्रेंड्स, अगर वाइट यहाँ चाहता तो अपने रुक को b7 स्क्वायर पर ले जाकर इस नाइट पर भी अटैक बना सकता था, और अगर यहाँ किसी तरह से वाइट ने इस d6 पॉन को ले लिया तो ये गेम ब्लैक के लिए थोड़ी मुश्किल होगी। सपोज़ अगर यहाँ ब्लैक करता है रुक टेक्स a5 तो उसके बाद रुक टेक्स d6 किंग g7 रुक d7 नाइट पर अटैक, और जब तक ब्लैक अपने इस नाइट को बचाएगा तब तक वाइट अपने इस रुक को सी फाइल में लाकर इस c5 पॉन पर अटैक बना चुका होगा। तो यहाँ ब्लैक को करना पड़ा रुक d8, लेकिन इसके बाद a6, तो ब्लैक ने यहाँ किया f5 नाइट टेक्स f5 नाइट टेक्स f5 e टेक्स f5, और फाइनली अब यहाँ डबल रुक एंड गेम स्टार्ट हो चुकी है कि g7
किंग F1, रुक A2, G4। फ्रेंड्स यहाँ ब्लैक की पोजीशन को देखिए, यहाँ उसके पास ये तीन कनेक्टेड पॉन्स है और वहीं उसके सामने वाइट का सिर्फ एक पॉन है। अगर किसी तरह से ब्लैक वाइट के इस डी पॉन को ले ले तो ये गेम क्लियरली ब्लैक की हो सकती है, लेकिन पता नहीं क्यों यहाँ ब्लैक ने किया किंग F6। और फ्रेंड्स मैं इसे इस गेम का काफ़ी बड़ा ब्लंडर कहूँगा, क्योंकि वहाँ ब्लैक ने अपने इस D6 पॉन को पिन करवा लिया है और इसी बात का फ़ायदा उठाते हुए यहाँ वाइट ने किया रुक टेक C5, किंग G5, रुक C4, G4 पॉन पर डिफेंस। और ऐसा करने के बाद यहाँ ब्लैक की गेम काफ़ी कमज़ोर हो गई है, तो ब्लैक ने यहाँ किया D5। फ्रेंड्स यहाँ इस पोजीशन से बेटर था कि ब्लैक अपने रुक को A8 स्क्वायर पर प्लेस करे। हालांकि इसमें वाइट एडवांटेज में रहेगा, लेकिन एटलीस्ट यहाँ ब्लैक इस A6 पॉन से तो छुटकारा पा सकेगा। लेकिन यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक ने किया था D5, रुक पर अटैक बनाया और इसी बात का फ़ायदा यहाँ वाइट ने उठाया। उन्होंने यहाँ एक टेक्टिकल अपॉर्चुनिटी देखी, उन्होंने यहाँ किया H4 चेक, किंग टेक्स H4, रुक टेक्स H6 चेक, किंग G5, रुक H5 चेक, किंग F6, रुक C6 चेक, किंग E7, रुक H7। फ्रेंड्स यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक के लिए चेस इंजन रिकमेंडेशन है कि उसे यहाँ करना चाहिए था E4, अपने ई पॉन को आगे पुश करना चाहिए था। और अगर यहाँ से ये गेम आगे बढ़ती है तो वाइट को यहाँ करना पड़ेगा D takes E4, रुक E6 चेक। वाइट यहाँ इस F7 पॉन के पिन होने का फ़ायदा उठा सकता है, तो किंग F8, रुक H8 चेक, किंग G7, रुक टेक्स D8, F takes E6, रुक D7 चेक, किंग F6। और इस तरह से यहाँ ब्लैक इस गेम में वाइट के ऊपर थोड़ा प्रेशर बनाकर रख सकता था, लेकिन यहाँ ब्लैक ने किया रुक B8। और इसके बाद यहाँ वाइट ने वही किया जिसका जिक्र मैं थोड़ी देर पहले कर रहा था, उन्होंने यहाँ किया रुक E6 चेक, किंग F8। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ इस पोजीशन से ब्लैक को अपने किंग को D8 स्क्वायर पर ले जाना चाहिए था, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से अगर ये गेम आगे बढ़ती है तो वाइट यहाँ क्या करेगा, वो यहाँ करेगा रुक टेक्स F7, लेकिन उसके बाद रुक B2। और अब ब्लैक यहाँ थोड़ा बहुत अटैक तो बना सकता है, लेकिन ये गेम अभी भी क्लियरली वाइट की ही होगी। लेकिन जब यहाँ ब्लैक अपने इस किंग को F8 स्क्वायर पर लेकर गया तो ये गेम ब्लैक के लिए यहीं ख़त्म हो गई। वाइट ने यहाँ किया रुक H8 चेक, किंग G7, रुक टेक्स B8, F takes E6, F takes E6। और अब वाइट के यहाँ ये दो पासर्स तैयार हो गए हैं, तो ब्लैक ने यहाँ किया किंग F6, रुक A8, किंग टेक्स E6, A7। और फ्रेंड्स अब ये गेम यहाँ फॉर्मेलिटी भर रह गई है, ब्लैक ने यहाँ किया किंग F7, लेकिन इसके बाद रुक H8। और यहाँ इस मूव के बाद ल्यूक मैकशेन ने रिज़ाइन कर दिया, क्योंकि फ्रेंड्स यहाँ से अब अगर हम इस गेम को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे तो ब्लैक यहाँ क्या करेगा, एक चेक दे सकता है रुक A1 चेक, लेकिन उसके बाद किंग G2, रुक टेक्स A7, रुक H7 चेक, किंग F8, रुक टेक्स A7। और इस तरह से यहाँ इस गेम में ब्लैक के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। और फ्रेंड्स यहाँ इस तरह से माइकल एडम्स और ल्यूक मैकशेन के बीच में 6 मैचेस खेले गए थे, जिनमें से कि 4 माइकल एडम्स ने जीते और 2 ल्यूक मैकशेन ने। तो कंग्रेचुलेशंस टू माइकल एडम्स जिन्होंने इतनी शानदार गेम और प्रेस्टिजियस चैंपियनशिप को अपने नाम किया। सो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे इस यूट्यूब चैनल चेस गुरु को सब्सक्राइब करें। और आपके कमेंट्स का मुझे बेहद इंतजार रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय फॉर नाउ।